और रेलवे के तरफ से ऑफिशियल नोटिस जो आ गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही आज से करीब 1 सप्ताह पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे में लेवल वन की जो पोस्ट है, लेवल वन मतलब ग्रुप डी, रेलवे में अपकमिंग वैकेंसी जो है उसमें क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए यहाँ पर रेलवे बहुत जल्द निकालने वाली है नोटिस, और वो रेलवे ने कल के डेट में नोटिस निकाल दिया है। तो इस तरह का नोटिस जो है, सबसे पहले जब 2019 की वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसी टाइम से जो है ये वैकेंसियाँ, ये नोटिस जो है सरकार निकाल रही है, सरकार निकाल रही है 2019 से, कि अब जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें 10th+ ITI होना ज़रूरी है। अगर आप 10th+ ITI नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। ये साफ़ तौर पर रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपके नोटिस के तौर पर आ गया है। मैं आपको थोड़ा दिखाने का यहाँ प्रयास करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल आपको आज से 1 सप्ताह पहले ही इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया था कि रेलवे फिर से इस तरह का नोटिस जारी करने वाला है, और कल के डेट में नोटिस जारी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, भारत सरकार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ध्यानाकर्षण जो है रेलवे में केवल लेवल एक की नौकरी के लिए सेक्शन की योग्यता। लेवल वन मतलब हो गया ग्रुप डी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि ग्रुप डी की जॉब के लिए जो है यहाँ सेक्शन की योग्यता के लिए क्लेरिफिकेशन जो है रेलवे के तरफ से ऑफिशियली दिया गया है। इसमें क्या क्लेरिफिकेशन दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा, पहला नंबर जो है रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाव में मैट्रिक के लेवल वन में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, उसके बाद है सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 10वीं होना चाहिए, और नहीं तो 10वीं+ITI आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, उसके बाद ही आप लेवल वन के लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों से लेवल वन में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीयकृत रोजगार सूचकांक क्रमांक 2018, वही है 2018 और 2019 की वैकेंसी में इसको प्रभाव से मुक्त किया गया था। मतलब 10वीं+ITI इसको काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो गए थे इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने इस पॉइंट पे लिख दिया है। आते हैं तीसरा पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट पे इन्होंने क्या लिखा है, तो तीसरा पॉइंट में इन्होंने लिखा है जनसाधारण, यहाँ पे आप देखिएगा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट लेवल केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीयकृत रोजगार सूचकांक दिनांक क्रमांक 2018 एवं RRC 2019, वही है 2018-19 की वैकेंसी के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभाग जितने भी इंजीनियरिंग टाइप के जो हैं पोस्ट, उसमें जो है लेवल वन में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना इतना के बाद 15/5 जो है 2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं की उत्तीर्ण ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। तदनुसार मतलब है, तदनुसार मतलब होता है कि ये जो इन्होंने दिया क्वालिफिकेशन उस अनुसार आप तैयार रखें। दैट मीन्स 10वीं+ITI आपको होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास हैं तो ITI कर लें, ये तैयारी आपको करना है। मतलब साफ तौर पर ये कह रहा है कि रेलवे अब जो है वो पीछे नहीं हटेगी, और क्वालिफिकेशन डिटेल जो है, क्वालिफिकेशन डिटेल जो है रेलवे का वही रहेगा अब जो इन्होंने दे रखा है शुरू से। क्या दे रखा है, तो 10वीं+ITI किसके लिए, तो लेवल वन के लिए, लेवल वन के लिए। तो आप लोग निश्चित हो जाइए, और इस बार जो ITI किए हुए हैं छात्र उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपको एक बेहतर मौका दिया जाएगा। बेहतर मौका इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी जो है, वैकेंसी फिर से 50,000 की वैकेंसी ग्रुप डी में आने वाली है, और 50,000 की वैकेंसी अगर आ जाती है तो वहाँ पे कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ 10वीं पास अगर रहता था तो वहाँ कट ऑफ जो है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता था, लेकिन अगर सिर्फ ITI 10वीं+ITI वहाँ पे रहेगा तो ITI किए हुए उतने छात्र अभी भी नहीं हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ पे सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। और कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, दैट मीन्स ये है कि 50% तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि अगर आप अभी भी ITI नहीं किए हुए हैं तो
अगर पॉसिबल है तो कर लें। मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर लेवल वन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप आईटीआई कर लें, क्योंकि रेलवे में आईटीआई को काफ़ी महत्व दिया जाता है, जिस तरह से मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। लेवल वन के लिए वैकेंसी के लिए तो यही किया गया है। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है, इसमें टेक्नीशियन जो पोस्ट होता है उसमें पहले पीसीएम के लिए भी एलिजिबिलिटी दिया गया था, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ आईटीआई डिप्लोमा को भी हटा दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, डिप्लोमा को भी हटा दिया गया है, सिर्फ आईटीआई वाले टेक्नीशियन की पोस्ट पर जो है वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। तो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको आईटीआई के लिए मिल गया, और दूसरा प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे ग्रुप डी के लिए मिल गया, ग्रुप डी के लिए लेवल वन की वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे मिल गया। और ये सब जो प्रभाव जो है ये कटअप को कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। इंक्रीज़ जो है कटअप तब हो जाता है जब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाता है, और दसवीं अगर पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे लेवल वन में रखा जाता था तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 1 करोड़ प्लस हो गया था। तो यहाँ पे कटअप तो लगभग 70% गया था, लेकिन अब अगर इसको हटा देता है, सिर्फ दसवीं प्लस आईटीआई कर देता है, तो उस स्थिति में कटअप 50% से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। तो आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, जो आईटीआई कर लिए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, आपको जो है बहुत जल्दी आईटीआई के लिए वैकेंसी देखने को रेलवे में मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो आपके सर पे है। अप्रैल मई से इलेक्शन होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो इससे पहले मतलब जिस तरह से मार्च 2019 में वैकेंसियाँ दी गई थी ग्रुप डी का, तो संभावना ही है कि फरवरी मार्च तक आपको देखने को वैकेंसी मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।